हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिक्स वेजिटेबल मेयो सैंडविच बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं मेरा इंग्रेडिएंट्स, पत्ता गोभी कद्दूकस कर लिया है और गाजर और बारीक शिमला मिर्च को कट कर लिया है और एक काली मिर्च का पाउडर है और फन फूड्स का मेयोनेज लिया है हमने और नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से बाउल में मिक्स कर लेंगे एक एक करके। मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया है, इसके बाद जो हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया था उसे भी डाल देंगे और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को ले लेंगे और 2 से 3 चम्मच मेयोनीज को हम डालेंगे। अगर आपका जो चीज़ें हैं क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसके अनुसार मेयोनीज को बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद हम काली मिर्च का जो पाउडर है उसको भी डाल देंगे और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी जो सारी चीज़ें हों बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने। मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 चम्मच और मेयोनीज डाला है और ब्रेड को मैंने जो ब्राउन होता है वो साइड से निकाल लिया है काट के। उसके बाद मैं उस पर बटर स्प्रेड कर दूँगी। जब अच्छे से बटर स्प्रेड हो जाएगा और दूसरी साइड हल्का सा बटर और सॉस लगा लेंगे। अब जो हमारा जो मिक्सचर था उसको हम अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फैल जाएंगी तो दूसरे ब्रेड में हम थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा सॉस लगाएंगे और फिर उसको उसके ऊपर हम रख देंगे। ये जो सैंडविच होता है बहुत ही हेल्दी सैंडविच होता है और झटपट रेसिपी है, झट से बन जाता है। मैंने ब्रेड का दूसरा स्लाइस है जो उसको ले लिया है और उस पर हल्का सा ब्रेड लगा के और थोड़ा सा सॉस ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चटनी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा सैंडविच जो है बनके रेडी हो चुका है। आप इसको सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई नई रेसिपी जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।